सीधे आपको विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां पर एसोचैम के कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। उसके साथ आपकी एक संस्थागत यात्रा का भी एक सहयात्री के रूप में योगदान रहा है। मुझे बताया गया है कि करीब करीब 70-75 लोकेशंस पर ये आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित जो दूर दूर हैं, उन व्यक्तियों को, उद्यमियों को और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों का मैं विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 2019 में अब बहुत कम दिन बचे हैं, उसका जाना तय है, और 2020 का नया वर्ष और उसके साथ नया दशक आप सभी के लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेकर के आए। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस कामना के साथ आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। साथियों, आपने अपने सेंटेनरी सेलिब्रेशन की जो थीम रखी है वो देश के, देशवासियों के लक्ष्यों और सपनों के साथ जुड़ी हुई है। और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 5-6 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था डिजास्टर की तरफ बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने न सिर्फ इसे रोका है बल्कि अर्थव्यवस्था में डिसिप्लिन लाने का भरसक प्रयास किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तय नियमों से चले, तय लक्ष्यों की तरफ बढ़े, इसके लिए हमने व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए हैं, चौतरफा फैसले लिए हैं, उद्योग जगत की दशकों पुरानी मांगों को पूरा करने पर ध्यान दिया है। और इसलिए आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए एक मजबूत आधार बना है। आमतौर पर सरकार कुछ टारगेट तय करती है, उसको अचीव करने के लिए अपनी सरकारी मशीनरी को काम बांटती है, रोड मैप बनाती है, मॉनिटर करती है। ये एक तरीका है, वो गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जब तक पूरा देश मिलकर के लक्ष्य तय नहीं करता है, लक्ष्य को पार करने के लिए मिलकर के नहीं चलता है, लक्ष्य को पार करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों में सक्रियता नहीं लाता है, तो वो एक सरकारी कार्यक्रम बन जाता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ये मैंने जब सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे मालूम था कि सुगबुगाहट शुरू होगी। मुझे ये भी मालूम था कि नकारात्मकता
को प्रकट करने के लिए एक मैदान तैयार हो जाएगा। मुझे यह भी मालूम था कि ये विश्वास से कहा जाएगा कि भारत ये नहीं कर सकता है। एक सेट ऑफ थिंकिंग है ऐसा, लेकिन मुझे खुशी है कि आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले जितने ही समूह हैं, हर कोई 5 ट्रिलियन वाली बात को मध्य में रख करके चर्चा करता है। अधिकतम लोग, यार कोशिश तो करनी चाहिए यार, करे तो हो भी सकता है, अरे यार नेगेटिव क्यों सोचो, चलो यार कुछ करते हैं। मतलब कि लक्ष्य तय हुआ है तो लक्ष्य पार करने का मन भी तैयार हो रहा है, और यही मन है जो आज यहां इकट्ठा हुआ है वो उसको पार करेगा। सरकार का अचीवमेंट नहीं होता है, देशवासियों का अचीवमेंट होता है। और इसलिए मुझे बराबर याद है जब मैंने लाल किले से 2014 में कहा कि गांधी जी के जब 150 होंगे तब देश को हम ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। कईयों ने आलोचना की थी मेरी, लेकिन जब देश के सामने लक्ष्य रखा तो देश ने करके दिखाया। तो हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल उसको जन सामान्य से जोड़ना ही चाहिए, और मेरा यही प्रयास है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, हमें उसे फॉर्मलाइज भी करना है, हमें मॉडर्नाइज भी करना है, और इन दो महत्वपूर्ण पिलर पर हम इसको मजबूती देना चाहते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए तमाम उपायों से लेकर जीएसटी तक, आधार लिंक पेमेंट से लेकर डीबीटी तक, हमने अर्थव्यवस्था के ज्यादातर आयामों को फॉर्मल व्यवस्था में लाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम अर्थव्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मॉडर्नाइज और स्पीड अप करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अब कई हफ्तों के बदले कुछ घंटों में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाना, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में ऑटोमेशन के जरिए समय कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर लिंकेज के जरिए पोर्ट और एयरपोर्ट पर टर्न अराउंड टाइम का कम होना, ये सब आधुनिक होती अर्थव्यवस्था के ही उदाहरण है। साथियों, आज देश में वो सरकार है जो किसान की भी सुनती है, मजदूर की भी सुनती है, व्यापारी की भी सुनती है, उद्योग जगत की भी सुनती है, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है, उनके सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ काम करती है। आप सोचिए, क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो, हर राज्य में अलग अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले? हमारी सरकार ने दिन रात एक करके आपकी इस मांग को पूरा किया। हम जीएसटी लेकर के आए, इतना ही नहीं, व्यापारी जगत से जो जो फीडबैक मिला
हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते गए, जहां कम करना था कम करते गए, लगातार हम उसको डायनेमिक तरीके से बदलाव करते भी रहे। साथियों, बरसों से भारत का उद्योग जगत बिजनेस को आसान बनाने की मांग कर रहा था, प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट और सिंपल करने की मांग कर रहा था। अब आपको याद रहना चाहिए कि आप लोग मांग करते थे, नहीं तो जो मिला वो मेरा वो भूल जाओ। खैर, 70 साल की आदतें बदलने में जरा तकलीफ होती है। और आप ही की इस मांग पर भी हमारी सरकार ने जो भी कर सकता है हमने काम करने का प्रयास किया है। आज भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। हंड्रेड एंड 90 कंट्री की रैंकिंग में हम, जब मैंने जिम्मेवारी संभाली तब हम 142 पर थे, 190 में 142 थे। 3 साल के भीतर भीतर हम 63 पर आ गए हैं। ये सब ऐसे ही हुआ होगा क्या? बहुत लोगों की नाराजगी मोलनी पड़ती है, बहुत लोगों का गुस्सा सहना पड़ता है, भांति भांति के आरोपों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि देश के लिए करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने में 4 शब्द हैं, लेकिन इस रैंकिंग में बदलाव तब होता है जब दिन रात लक्ष्य तय करना, रोड मैप तय करना, मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, कानून बदलना, नियम बदलना, अफसरों को ट्रेन करना, यानी बहुत कुछ करना पड़ता है। जमीनी स्तर पर जाकर नीतियों में नियमों में बदलाव होता है, चाहे बिजली कनेक्शन देने की बात हो, कंस्ट्रक्शन परमिट की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस की बात हो। सैकड़ों प्रक्रियाओं को ये सरल बनाने के बाद, अनेकों रुकावटों को पूरी तरह हटाने के बाद इस प्रकार की रैंकिंग में सुधार संभव होता है। और यह सुधार हम अकेले नहीं करते, दुनिया के और देश भी स्पर्धा में होते हैं। और छोटे छोटे देशों में तो सुधार बहुत सरल होता है, और इसलिए सुधार करना और इस नंबर पर टिके रहना यह भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कोई भी छोटे 10 देश अगर आगे निकल गए तो हम 62 से 72 हो जाएंगे। हम कुछ बुरा नहीं करेंगे तो भी पीछे हट सकते हैं, और इसलिए ग्लोबल कंपटीशन में लगातार अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना करते रहना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में, ये विशेष रूप से याद रखोगे ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं आपसे, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो याद रखने में मजा नहीं आता है। कंपनीज एक्ट में सैकड़ों ऐसे प्रावधान थे जिसमें छोटी छोटी गलतियों के लिए
क्रिमिनल एक्शन की व्यवस्था थी और मुझे मालूम है ये आपके लिए कितना परेशानी का कारण था। हमारी सरकार ने इसमें से अनेक प्रावधानों को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये तालियों में दम नहीं है, इसका कारण ये है पहले ताली कम थी उसका कारण था आपको जानकारी नहीं थी, और ताली ज्यादा है तब भी आपको मालूम नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये निर्णय छोटे नहीं है जी, बहुत बड़े हैं, और जिन्होंने इसको भुगता है ना उनको पता है कि एक दरोगा आकर के जब रात को घर से ले गया होगा और बाद में पता चले यार इतनी छोटी सी मेरी गलती से ये हो गया। ये सारे संकटों से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान छेड़ा हुआ है जी, और इसलिए हमको कभी सुनना पड़ता है हम आपके एजेंट है। हम एजेंट है 130 करोड़ देशवासियों के भविष्य को। कई और प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की प्रक्रिया मैंने अभी बंद नहीं की है, अभी भी जारी है और आपके भी ध्यान में है, एसोचैम के ध्यान में है, आप बिना समय बिताए जरूर मेरे ध्यान में लाइए। इसी तरह हमारी सरकार इन्वर्टेड ड्यूटी खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पिछले वर्षों में आए बजट में इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया, और इसकी वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर होने वाला खर्च धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साथियों, इस साल अक्टूबर से देश के टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। हमने उस दिशा की तरफ कदम उठाया है जहां टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा। अब मुझे मालूम नहीं है कि आपके भले के लिए है कि आपका नुकसान करने के लिए, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी फाइल किसके पास है। पुरानी आदत में तो बड़ा सरल था, अच्छा जो उसका है, अरे देखो यार उसका चचेरा भाई कहां वहां रहता है, तो आपके लिए मुश्किल भी है और आपके लिए सुविधाजनक भी है कि जो भी होगा वो न्यायिक कागज जो कहेंगे उसी के आधार पर होगा। और इसलिए जिसने व्यवस्था का लाभ उठा करके दुनिया अपनी खड़ी की है उनके लिए मुसीबत स्वाभाविक है, लेकिन जिसने अफसरों के जोर जुल्म के कारण परेशानियां झेली हैं उनके लिए यह उत्तम अवसर पैदा हुआ है। टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हम फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमारी व्यवस्था में भी फायदा होगा। आज सरकार में अगर किसी को मुंबई पोस्टिंग मिल गया तो सब लोग जाकर उसको पार्टी देते हैं, अरे वाह तुझे तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई। और मान लीजिए उसको कई छोटी सी जगह पे जॉब मिल गया, यार सरकार से तेरा कुछ गड़बड़ है क्या, क्यों तेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया क्या। अब आपकी जॉब किस जगह पे है
इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि मामला बंबई का होगा, लेकिन हो सकता है कि इस नई टेक्नोलॉजी से आपकी फाइल गुवाहाटी में जांच पड़ताल होती होगी। तो अब इसलिए कोई सी कोई ये मोह नहीं रहेगा, कोई मुझ पे दबाव नहीं डालेगा, साहब माँ को कैंसर है, मुंबई में नौकरी दिलवा दीजिए, वहाँ ट्रीटमेंट के लिए सुविधा रहती है, बच्चे कोई बीमारी है, इस जगह पे मुझे अपॉइंटमेंट करवाए, सब बंद हो जाएगा। इसलिए आपको भी सुख, मुझे भी सुख। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने, उसका प्रोसेस सिंप्लीफाई करने को लेकर भी बरसों से देश में तमाम चर्चाएं होती थी। आपके 100 साल का इतिहास का रिकॉर्ड देखिए तो आपने हर वर्ष इस विषय में कुछ न कुछ रिजोल्यूशन किया होगा, कुछ न कुछ मांगा होगा, कुछ न कुछ किया होगा। 100 साल ये काम जरूर किया होगा, और वैसे भी संगठन इसी काम के लिए तो होते हैं। इसे लेकर भी आप अगर 5 साल का हिसाब देखोगे तो हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने देश में जितना कॉरपोरेट टैक्स आज है, 100 साल का इतिहास आपके पास है, चेक कर लीजिए, जितना कॉरपोरेट टैक्स आज है इतना कम टैक्स इसके पहले कभी नहीं था। फिर आपकी ताली दब गई। उसका कारण है कि आप आगे क्या पाना है इसी में फंसे पड़े हो, जो हुआ है वो नहीं मौजूद। आप सोच रहे हैं एक शाम को फलाने मंत्री आएंगे उससे बात करूं, ढींकने मिनिस्टर आएंगे उनसे ये मांगूंगा, उसके कारण जो हुआ है वो मुझे बार बार याद कराना पड़ रहा है आपको। खैर, कहने का तात्पर्य है कि उद्योग जगत से सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स लेने वाली सरकार अगर कोई है तो वर्तमान हिंदुस्तान की सरकार है। साथियों, लेबर रिफॉर्म्स की बात भी बहुत वर्षों से देश में चलती रही है। कुछ लोग ये भी मानते थे कि इस क्षेत्र में कुछ भी न करना ही लेबर वर्क के भलाई में है, बताइए, यानी कुछ करो ही मत, सब अच्छा है, बस चंगा है, यानी हमारे देश के लेबर को उनके अपने हाल पर छोड़ दो, जैसा चलता रहा है चलते रहो, 5-50 उनके जो मुखिया है उनका भला होता रहे, गरीब मजदूर मरता रहे, यही सोच चली। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते जी, सामान्य मजदूर का भी भला होए बिना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम पार नहीं कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जो लेबर फोर्स है उसकी भी हर तरह से देखभाल होनी चाहिए, उनका जीवन आसान बने, उनको प्रोविडेंट फंड समय से मिले, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, इन सारे क्षेत्रों में सरकार ने एक फैमिली लाइक एटीट्यूड को लेकर के, उद्योग अपने आप में एक परिवार है, उसमें पूंजी निवेश करने वाला होगा, जिसमें नॉलेज निवेश करने वाला होगा, जिसमें पसीना निवेश करने वाला होगा, ये सब एक परिवार हैं, उसी से तो उद्योग आगे बढ़ता है। सिर्फ बुद्धि लेकर के मैनेजरी करने वाला उद्योग सफल करता है ऐसा नहीं है, सिर्फ रुपयों के ढेर कर देने वाला उद्योग सफल करता है ऐसा नहीं है, सिर्फ पसीना बहाने वाला उद्योग सफल करता है ऐसा नहीं है। ये तीनों जब एक परिवार बनकर के करते हैं तब जाकर के उद्योग नई ऊंचाइयों को पार करता है। और इसलिए लेबर यूनियनों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए लगातार उनसे हमने विचार विमर्श किया
शायद जितने घंटे हमारी सरकार ने लेबर यूनियनों से बात की है, भूतकाल की किसी भी सरकार को यह सौभाग्य नहीं मिला होगा जितना हमें मिला है। और बहुत अच्छे सुझाव लेबर यूनियनों ने दिए हैं। हम जो कभी सोचते हैं कि लेबर यूनियन को देश की चिंता नहीं, वो अपनी सोचता, ऐसा नहीं है जी। हमारा अनुभव अलग रहा है। अगर सही तरीके से लेबर यूनियन के साथ बात करते हैं तो वो बहुत से रिफॉर्म के लिए हमसे भी दो कदम आगे जाने को तैयार है, ये हमने अनुभव किया। इंडस्ट्री के सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमने लेबर कानून में बहुत से ऐसे बदलाव भी किए हैं जो समय की मांग है। लेकिन फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए उद्योग जगत के हित में उठाए जा रहे ऐसे हर फैसले पर सवाल उठाना ही कुछ लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है। जब 2014 से पहले के वर्षों में अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग किस तरह तमाशा देखते रहे, ये देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें विरासत में किस तरह की अर्थव्यवस्था मिली थी, तब अखबारों में किस तरह की बातें होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख कहां थी, आप लोग इसे भली भांति जानते हैं और इसलिए मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस दौरान जो स्थितियां थी उनके प्रभावों को कम करने के लिए जो स्थायी उपाय हमने किए, वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप ये भी भलीभांति जानते हैं कि 2014 से पहले देश का बैंकिंग सिस्टम किस तरह संकट में था। तब हालात ये थी कि बैंकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी की प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। 6 लाख करोड़ रुपए, इसमें सरकार द्वारा पहले इंद्रधनुष 5 के तहत 70,000 करोड़ रुपए और रीकैप के माध्यम से 2,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। साथियों, सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अब 13 बैंक मुनाफे में वापस आ चुके हैं और आप व्यापार उद्योग वाले हैं, आपको मालूम है कि जब एक बार नीचे की तरफ जाते हैं तो बाहर आने में कितनी दिक्कत होती है, आपने अपना जीवन में देखा है। ये 6 बैंक पीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं। हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है। बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी ग्लोबल पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने बैंकों के कारोबारी फैसलों में किसी तरह की दखलंदाजी को समाप्त कर दिया है। अब फोन बैंकिंग नहीं चल रहा है, ये मुसीबत का कारण फोन बैंकिंग था। फोन आपका होगा, करने वाला दूसरा होगा, सुनने वाला तीसरा होगा। हर किसी का ना किसी ने कहीं जगह पे स्पर्श तो है ही है। सरकार के दखल के बिना काबिल लोगों को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति मिले, इसके लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया। इसमें आरबीआई और बाहरी एक्सपर्ट्स उनको रखकर उन्हें पूरी ऑटोनॉमी दी गई है।
अब आप बैंकों में सीनियर पदों पर नियुक्ति होने पर कोई मर्मरिंग कहीं पर सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि पूरी तरह प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट व्यवस्था की ओर हम बढ़े हैं। फ्रेंड्स, हमारी सरकार मानती है कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में कई बार हमें कंपनियों की असफलता को, उनके फेलियर्स को भी स्वीकार करना पड़ता है। सारी असफलताएं किसी आर्थिक अपराध की वजह से हो, ऐसा हर बार नहीं होता है। मैं एक सज्जन को गुजरात में जानता था, बेटा उनका अमेरिका में पढ़ता था, बेटा वापिस आएगा उसको ध्यान में रख करके उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया एक्सपांशन का, बैंकों से पैसे लिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। बेटा अमेरिका से लौटा और कुछ समय में अचानक कार एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। इकलौता बेटा, इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा बैंक से लोन लिया था बड़ा, अब मुझे बताइए कि उसका फेलियर, अब बेटा रहा नहीं, वो कैसे करेगा? क्या ये फ्रॉड माना जाएगा क्या? क्या इसके लिए उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा क्या? मैं ऐसी चीजों से सहमत नहीं हूं। और इसलिए असफलता उसी को अगर अपराध मान लेंगे तब तो देश कभी चुनौतियों का सामना करने का समाज ही तैयार नहीं कर सकता है। और दुनिया वही चला सकते हैं, देश को वही आगे बढ़ा सकते हैं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। खिड़की खोलू कि नहीं खोलू, ठंडी हवा आ जाएगी तो क्या होगा, वो क्या करेगा? और इसलिए कंपनियों को, कंपनियों चलाने वालों को एक बेहतर एग्जिट रूट मिले, इस ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आज ऐसी अनेक कंपनियों का मददगार बन रहा है जो किसी वजह से फेलियर का सामना कर रही है। ये सरकार की तरफ उद्योग जगत की एक तरह से हैंड होल्डिंग प्रयास है, ताकि ऐसी कंपनियां अपने अनुभवों से सीख सके, भविष्य में कुछ और अच्छा कर सके, उनको अवसर मिलना चाहिए। साथियों, जितने भी फैसले मैं आपके सामने रख रहा हूं वो उद्योग जगत को, उसकी पूंजी को सेफगार्ड करने में बहुत मदद करने वाले हैं। मैं आज एसोचैम के इस मंच से देश की बैंकिंग से जुड़े लोगों को, कॉरपोरेट जगत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो पुरानी कमजोरियां थी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। और इसलिए खुल करके फैसले ले, खुल करके निवेश करें, खुल करके खर्च करें और आगे बढ़ें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सही निर्णयों पर, जिन्युइन कॉमर्शियल डिसीजन पर कोई अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज हम ये कह सकते हैं
कि देश की बैंकिंग प्रणाली की नींव अब इतनी पारदर्शी और मजबूत हो रही है कि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को ऊर्जा दे सकते हैं, आत्मविश्वास जगा सकते हैं, गति दे सकते हैं। आज भी हम दुनिया के 10 टॉप, दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ FDI डेस्टिनेशन में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में FDI आने की गति बढ़ी है और FDI के मेरे दो मीनिंग हैं। जब जरूरत पड़े उस समय मैं उसका उपयोग करता हूं। एक FDI पॉपुलरली नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरा दूसरा है फर्स्ट डेवलप इंडिया। पिछले 20 वर्षों में जितनी FDI देश में आई उसकी लगभग 50% पिछले 5 वर्ष में आई है। हमने पिछले सालों में अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी व्यापक सुधार किया है। आज दुनिया का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है। देश में इनोवेशन और एंटरप्राइज का एक नया वातावरण बना है। आज दुनिया के ज्यादातर निवेशक भारत की तरफ पूरे विश्वास और आशा के साथ देख रहे हैं। भारत की क्षमता को लेकर दुनिया में अभूतपूर्व भरोसा उत्पन्न हुआ है। साथियों, इसी पॉजिटिविटी के आधार पर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं। आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश, आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए होने वाला 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसे नई शक्ति का संचार करेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण हो या हर देशवासी तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर पहुंचने का संकल्प हो, किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास हो या देश के लाखों एमएसएमई और करोड़ों सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आसान फंडिंग, ऐसे अनेक प्रयास $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए हमारे संकल्प को नई शक्ति देते हैं, नया विश्वास देते हैं। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था को करीब करीब दोगुना करने के लिए हमारे प्रयास सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके लिए हम राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को विस्तार देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग यह हमारी प्राथमिकता में है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, इस सारी बातों के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर आज जो चर्चाएं हो रही हैं मैं उससे भली भांति परिचित हूं और जो भी कहा जाता है मैं कभी ऐसी चीजों को चुनौती नहीं देता हूं। मैं हर बात में से अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करता हूं
अच्छाई को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है कि उन चर्चाओं के बीच हमें ये भी याद करना होगा कि पहले की सरकार के समय एक क्वार्टर में जीडीपी की विकास दर 3.5% तक पहुंच गई थी। याद करिए उस दौर में सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन कहां तक पहुंची, 9.4% तक। सीपीआई कोर इन्फ्लेशन कहां थी, 7.3%। WPI इन्फ्लेशन कितने तक पहुंची थी, 5.2% तक। फिस्कल डेफिसिट कहां तक गया था, GDP के 5.6% तक। उस समय GDP के अनेक क्वार्टर्स ऐसे गए जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक थे। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय कुछ लोग क्यों चुप थे। फ्रेंड्स, देश की अर्थव्यवस्था में ऐसे उतार चढ़ाव पहले भी आए हैं, लेकिन देश में वो सामर्थ्य है कि वो हर बार ऐसी परिस्थिति से बाहर निकला है और पहले से ज्यादा मजबूत होकर के निकला है। और इसलिए अभी की परिस्थिति से भी भारत और मजबूती के साथ और नई ताकत के साथ और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा और बढ़ेगा। साथियों, भविष्य के लिए हमारे इरादे भी साफ हैं और हौसले बुलंद है, ये मेरे केस में कहना नहीं पड़ता है। इस सरकार की पहचान ही है कि जो संकल्प कहती है उस संकल्प के साथ देश को जोड़ती है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भी लक्ष्य संभव है, अवश्य संभव है, क्योंकि ऐसी अनेक बातें जो पहले भी असंभव लगती थी उन्हें देश ने संभव करके दिखाया है। साठ महीने में 60 करोड़ आबादी को खुले में शौच से मुक्ति दिलाना असंभव दिखता है। आज ये संभव हुआ है। 3 साल से भी कम समय में 8 करोड़ घरों तक गैस कनेक्शन पहुंचाना, 10 लाख से अधिक गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खड़े करना, ये सब असंभव लगता था, लेकिन संभव हुआ है। हर परिवार को इतने कम समय में बैंकिंग से जोड़ना पहले असंभव लगता था, लेकिन आज वो हकीकत बन गया है, संभव हुआ है। देश की एक बड़ी आबादी तक डिजिटल बैंकिंग को पहुंचाना भी पहले असंभव दिखता था, आज देश में हर रोज
करोड़ों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भीम ऐप और रुपे कार्ड भी इस देश में इतने प्रचलित हो जाएंगे, किसने सोचा था। लेकिन आज ये संभव हुआ है। हर बेघर को अपना पक्का घर देना असंभव लगता था, लेकिन ये संभव हो रहा है। अब इसमें मैं बीते 6 महीने के नई सरकार बनने के बाद गत 6 महीने में जो भी किया है उसका अगर उदाहरण देने लगूंगा तो कहीं आपका लंच ब्रेक देर हो जाएगी। साथियों, संकल्प से सिद्धि के इसी सकारात्मक और पारदर्शी माहौल में आपके लिए भी अवसरों का विस्तार हो रहा है। आपका हौसला पहले से बेहतर हो, कृषि से लेकर कंपनियों तक में प्रोडक्शन पहले से बेहतर हो और आपके द्वारा वेल्थ क्रिएशन और जॉब क्रिएशन भी पहले से बेहतर हो, इसके लिए सरकार हर तरह से भारत के उद्योग जगत के साथ खड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले हर छोटे मोटे व्यक्ति के साथ खड़ी है। मैं इसी मंच के माध्यम से देश के उद्यमी को यही कहूंगा कि आप आगे बढ़िए, आप समर्थ हैं, आप सक्षम हैं। पूरी दुनिया का बाजार हमारे सामने है, पूरी दुनिया को टक्कर देने का साहस हमारे भीतर है। आपका संकल्प, आपका सामर्थ्य, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का भारत का जो सपना है, जो करोड़ों देशवासियों का है, मोदी का नहीं है, करोड़ों देशवासियों का है, उस सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। आपकी समृद्ध परंपरा 21वीं सदी के न्यू इंडिया को भी विस्तार देने वाली है, मजबूत करने वाली है। आप सभी अपने प्रयासों में सफल हों, इसी कामना के साथ इस शताब्दी के महत्वपूर्ण पड़ाव पर अगली पूरी शताब्दी के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।